दुनिया के कुछ शहरों में अभी भी नारी को शक्ति देने की ज़रूरत है बिकॉज दे आर फेसिंग अ लॉट, आर सफरिंग अ लॉट. हम क्योंकि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो हमें लगता है कि ओ वी वुमेन आर वर्किंग, बट देर आर लॉट ऑफ वुमेन हु आर नॉट गेटिंग एजुकेशन, नॉट वर्किंग, घर में रहती है पर्दा डाल के. सो यस, मुझे लगता है कि अभी भी नारी शक्ति की बहुत जगह ज़रूरत है. बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आई गेस मेरी जितने लाइफ में मेरे लाइफ में जितने भी मैन हैं, बी इट माई फादर, बी इट रोहन, एवरीबडी, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव. मोर देन देम इट्स माई मदर हु सपोर्ट्स मी बिकॉज उनकी वजह से मैं आज हूँ, आई कम विथ हर. सो या इट्स ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन इन योर लाइफ, सो आई हैव कम विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन इन माई लाइफ, माई मॉम. नो बडी, दीज आर माई पर्सनल क्लोथ्स एंड नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही सिंपल है. जस्ट बी कंफर्टेबल, जस्ट कम टू मीट निवी एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हर आई एम हियर. रोहन के बारे में अगर कुछ जानना चाहें तो अभी आपके साथ नहीं है तो नारी सपोर्ट नहीं कर रही. रोहन नहीं, ऐसा नहीं है. रोहन इज इन दुबई, ही इज शूटिंग फॉर हिज म्यूजिक वीडियो, सो दैट्स व्हाई ही कुडंट मेक इट. चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट. नारी शक्ति के बारे में जी हाँ, आपके थॉट्स क्या हैं कि बाकी भी नारी को शक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि नारी तो पहले से शक्तिशाली है, तभी एक आदमी एक औरत से जन्म लेता है, तो कितना मिसकंसेप्शन है इस बात में नारी शक्ति को सपोर्ट करें. इसमें एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि बिकॉज क्या हो जाता है कि हमारी सोसाइटी ऐसी है, वुमेन आर एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट, हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं. जैसे आपने कहा, मैं कम्प्लीटली मानता हूँ, बिकॉज आज मेरी परवरिश मेरे पिता के देहांत के बाद मेरी मॉम ने किया है, विजेता जी ने किया है, तो उनकी शक्ति, उनकी बिलीव एंड उनका प्यार और संस्कार जो बोलते हैं, वो अगर नहीं होगा ठीक से तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे और उनका नाम रोशन करेंगे. सो वी शुड डेफिनेटली स्टैंड फॉर वुमेन एंड ऑलवेज सपोर्ट देम एंड यू नो ऑलवेज बी लविंग एंड केयरिंग अबाउट देम, रिस्पेक्ट. थैंक यू सो मच. यू आर वेलकम. थैंक यू. थैंक यू. जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल. काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो आप बोल रहे हैं, बट जैसे मैं बात करूं कि निवेदी का ये इवेंट है एंड मेरे को एक साल हो गया निवेदी के साथ काम करते हुए. एक वो ऐसा भी उनका शो था, तो अगर आपको शो भी याद हो तो उसमें भी हम लोगों ने यही दिखाया था कि एक लेडी एक विडो है और उस शी गेट्स रीमैरिड, तो वो कहीं ना कहीं वो निवेदी के, वो मैं अब 2 साल से जानता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेटेड हैं. इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं कि लड़कियों को ज़्यादा प्रमोट करें. इनफैक्ट हमारे एडीज जो होते थे वो भी लड़कियाँ ही होती थी. सो आई हैव ऑलवेज सीन दिस कि निवेदी हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हैं फॉर देयर अपलिफ्टमेंट एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कॉज. और यार शुरुआत करेंगे तभी कुछ होगा, इसीलिए हम लोग सब आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर टू जस्ट यू नो गिव इट अ न्यू ट्राई एंड अ स्टार्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर दैट. Not past, almost every day when I drive the car I feel that you know what is happening, like I mean the road nuisance and all these petty things, the everyday petty things. हाँ, लाइक शी सेड यार कि ड्राइविंग का वो बहुत ही छोटी सी बात है. yeah, कैसे एज मेन भी जब हम देखते हैं कोई लड़की ड्राइव कर, हम बस अज्यूम कर लेते हैं कि यार लड़की है, पता नहीं कैसे चला रही होगी. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. ये तो बहुत छोटी सी चीज़ एंड इट गोज वे अप. तो इनिशिएटिव अच्छा है एंड आई थिंक वी नीड वुमेन एम्पावरमेंट. दैट्स व्हाट वी नीड. इट्स मच नीडेड. इट्स मच नीडेड. बिल्कुल. दिस हैज़ टू बी अ लाइफ स्टाइल. दिस हैज़ टू बी फेड इन साइड. दिस हैज़ टू बी प्रैक्टिस फॉलोड घर पे बाहर एवरी डे एवरी टाइम. सो या इट्स अबाउट लाइक एजुकेटिंग एवरीबडी एंड फॉलोइंग इट. यार होता है बहुत
बहुत बार यही होता है कि शुरू होता है और फिर फिज आउट कर जाता है, बट आई थिंक अभी रिसेंटली जो मी टू मूवमेंट भी आया था, आई थिंक इट्स स्टिल नॉट फिज्ड आउट. उसका जो इफेक्ट था वो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट. तो सिमिलरली आई थिंक नारी शक्ति की बात जब हम करते हैं तो हम सबको अपने अंदर आई थिंक वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी ये चीज़ बड़ी होगी, तभी जो हम इक्वालिटी की बात करते रहते हैं लेकिन इट्स स्टिल नॉट देयर, वो तभी होगा जब हम ईच वन ऑफ अस टेक्स इट अपॉन अस इंडिविजुअली. बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है क्योंकि जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि औरतों की वजह से ही हम लोग ये सृष्टि आगे बढ़ा पाते हैं, और आज मैं खड़ा हूँ क्योंकि मेरी मॉम और मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. सो निवेदिता और ललित का बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव. इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम अ पार्ट ऑफ द कैलेंडर, एंड इसमें से एक मंथ के फोटो पे यू नो कैलेंडर पे मेरी फोटोग्राफ है. सो इट्स वेरी नाइस एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. देखिए बहुत सारी चीज़ें सच भी होती हैं तो आप वो इग्नोर नहीं कर सकते, बट इट्स ऑलवेज द केस कि अगर फ्रीडम दी जाती है तो उसे कहीं पे मिसयूज़ भी होता है. सो आई थिंक आई वुड लेट द अथॉरिटीज डिस्कस एंड डिसाइड ऑन दिस. थैंक यू सो मच. But I just want to say 2019 should be fantastically fabulous for everybody, and please spread smiles and spread love as much as you can. We are here to support the initiative which is Pehla Kadam started off with Nidhi ma'am. So yeah, I mean, I'm always up for it. Koi bhi agar, you know, as initiative liya jata hai, it's very good to, you know, support another woman to uplift the woman power. So yeah, we are here to support her. Of course, बहुत सारी ऐसी लेडीज होती है जो इसका नाजायज फ़ायदा उठाती है, बट आई थिंक एवरीथिंग सेड एंड डन, चीज़ें होती भी है, करप्शन है हमारी सोसाइटी में, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते. तो जो लोग अटेंशन के लिए जो भी कुछ करते हैं उस चीज़ को आई थिंक हम लोग को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे के जो मेन पर्पस है उस चीज़ के बारे में बात करना चाहिए, राइट? हाँ, आई गेस जो लोग जी नहीं, मैं बिल्कुल भी किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी. हालांकि मैंने कभी यू नो अब तक ऐसा कुछ फेस किया नहीं है, बट आई रियली फील बैड फॉर दोज वुमेन जो यू नो ये गो थ्रू करती है. एंड इट्स अ वेरी गुड टाइम, ये जो पूरा एरा है जहाँ पे यू नो वुमेन अपनी आवाज़ उठा रही है एंड यू नो पीपल आर सपोर्टिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड आउटसाइड द इंडस्ट्री. सो आई गेस हाँ, आवाज़ उठानी चाहिए और इस चीज़ों को लेकर कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए. एंड आई जस्ट ऐड वन मोर थिंग कि लाइक हाउ प्रियंका सेड कि हमें बुरा लगता है उन लड़कियों के लिए, उन वुमेन के लिए हु यू नो गो थ्रू सच थिंग्स, बट आई थिंक मुझे इक्वली बुरा लगता है उन लड़कियों के लिए जो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाती है, बिकॉज दे डोंट नो कि आप किस चीज़ के अगेंस्ट क्या कर रहे हो. यू नो आपको दूसरे वुमेन को अपलिफ्ट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए रादर देन उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ खुद के सेल्फिश रीज़न की वजह से. इनफैक्ट आई विल टेल यू, ये जो मैं करंटली एक शो कर रही हूँ बोधी जी का, अभी वहाँ पे नोटिस लगा दिया गया है सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर. सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि यू नो जो भी फीमेल एक्टर्स हैं जो ये सेटअप में काम कर रहे हैं उनके लिए एक काइंड ऑफ यू नो It's like this thing for the men as well to behave nicely to women, and ladkiyon ko bhi thoda safe lagta hai ki haan, you know, har jagah pe jahan pe bhi wo aawaz uthayengi unko suna jayega. So ye mujhe lagta hai ek bahut hi acha initiative hai. Naya saal aane wala hai, aur naye saal ki kya kya taiyariyan chal rahi hain, aur agar chal rahi hain to kya chal rahi hain, aur wo sari cheezein jo kisi ko batana nahi chahti hum bata dijiye, promise kisi ko nahi batayenge. Aap kisi ko nahi batayenge, hum to matlab ye sab log jaane wale hain TV pe. As such, I think every day is a new day. मेरे लिए न्यू ईयर ज़्यादा वो मैटर नहीं करता. हाँ, एक वो होता है जोश होता है कि नया साल है, बट विथ एवरी ईयर आई फील अलॉट ऑफ गुड वर्क सक्सेस एंड गुड हेल्थ फॉर एवरीबडी, फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई फ्रेंड्स एंड या गुड विशेज फॉर माई फ्रेंड्स एंड फैमिली. या गंदी आदत जो कंटिन्यू करेंगे
मैं कोई गंदी आदत नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ. नहीं 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 नहीं, मैं मेरी आई एम रियली हैप्पी विद व्हाट एवर आई डू, सो इट्स ओके. आदत को तो आप कंटिन्यू नहीं करना चाहोगे ना, आई मीन व्हाई वुड यू ट्राई टू. एक्चुअली जो आपने 2017 में सोचा था 2018 में नहीं करेंगे, वो कंटिन्यू रही है शायद 2019. अच्छा ओके, मैं बोलूँ, मुझे लेट आने की बहुत आदत है. यस श्रीतमा, फिलहाल इस वक्त मैं आधे घंटे से उनके लिए वेट कर रही थी, तो आई गेस इनको इस चीज़ पे बिल्कुल काम करना चाहिए. मैं चाहती बट आई थिंक वो टॉस ओवर होगा टू द नेक्स्ट ईयर, बट इट्स ओके. आई मीन ये बहुत ही छोटी मोटी चीज़ है. आई थिंक बिहेविंग लाइक अ गुड ह्यूमन एंड बींग ह्यूमन टू अदर पीपल विच इज़ अगेन बींग ह्यूमन ओवर योर. सो आई थिंक हर इंसान को बस अच्छे से रहना चाहिए, ये जो भी हेट्रेड और जो भी जेलसी होती है उसे साइड में रखना चाहिए. एंड यू नो मोर ओवर इट्स वन लाइफ. आई थिंक जितना आप लोगों को खुश रखे, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, आई थिंक दैट्स बी हेल्दी. Yeah. Okay. Yeah. Come on. Yeah.